सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की। तो एनआईटी रायपुर आपके रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और आज के डेट में 2023 में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 70 चल रही है। इस वीडियो में हम प्लेसमेंट से लेकर कट ऑफ, एडमिशन प्रोसीजर, कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास अभी लेटेस्ट 2022 का प्लेसमेंट डेटा है, 2023 का भी आना बाकी है। तो अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 57.5 एलपीए का, कंप्यूटर साइंस में आपका 55 एलपीए गया था। तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस और आईटी में सिमिलर का यहां पैकेज हमें देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहता है। बाकी सारे ब्रांचेस में क्या हाईएस्ट पैकेज रहे आप देख सकते हो, और यहां देख सकते हो प्लेसमेंट परसेंटेज सारे ब्रांचेस के। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 89.66%, जो कि अभी रिसेंटली बढ़ा है। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो 93.41%। अगर सबसे कम की बात करें तो वो है सिविल इंजीनियरिंग में 62.96। बट आप किसी भी एवरेज आईआईटी, एवरेज एनआईटी में चले जाइए, आपको सिविल में ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेजेस होते हैं, जो प्लेसमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उनमें आपको सिविल में थोड़ा बढ़िया एक स्कोप दिख सकता है। लेकिन एवरेज एनआईटी के हिसाब से एनआईटी रायपुर एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है प्लेसमेंट में। बात कर ले एवरेज पैकेज की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है 17.18 एलपीए, फिर कंप्यूटर साइंस में वही 19-20 का फर्क है 15.48 एलपीए। और अगेन यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो 8.17 एलपीए। बहुत लोग पूछते भैया बायोटेक्नोलॉजी एक बढ़िया ब्रांच है या नहीं है। बिल्कुल एक बढ़िया ब्रांच है। अभी रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, एक आईआईएससी बेंगलोर के एक सीनियर थे जिनका फॉरेन में प्लेसमेंट हुआ है 1.8 सीआर पे एज ए रिसर्चर। तो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता, अगर आईआईटी एनआईटी किसी ब्रांच को ऑपरेट कर रहा है तो कुछ सोचकर ही कर रहा है। हाँ, कुछ ब्रांचेस बढ़िया हो सकते हैं, कुछ उससे नीचे हो सकते हैं, बट कोई खराब नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी एनआईटी रायपुर के स्टूडेंट्स हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा क्या चल रहा है, एक्चुअल कॉलेज लाइफ क्या है। तो वो सारी चीजें जो अभी तक का आपका कॉलेज एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए जाकर, स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है इससे। तो चलिए, अगर कॉलेज पसंद आ रहा हो, प्लेसमेंट्स अगर अच्छे लग रहे हो, जो कि एक एवरेज एनआईटी के लेवल पर एक डिसेंट प्लेसमेंट है, तो बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो हर एनआईटी की तरह सबसे पहले जेईई मेंस का एग्जाम देना है। आपके जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पर आपको जोसा और सीसैप काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो यहां आपके सामने जोसा 2022 एनआईटी रायपुर 6th राउंड जनरल कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल स्टूडेंट्स का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हालांकि हमारे पास अभी 2023 के 3rd राउंड तक का भी कट ऑफ डेटा है, लेकिन मैंने 2022 के 6th राउंड को ज्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम रैंक कहां तक जा सकती है उसका एक आइडिया लग जाता है। जब जोसा 2023 के 6th राउंड का कट ऑफ डेटा हमारे पास आ जाएगा, तब से जोसा 2023 के हिसाब से भी चलेंगे। हालांकि अगर आपको हर ईयर के हर राउंड का हर कैटेगरी के लिए अगर कट ऑफ डेटा चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो यहां आपके सामने फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें फी वेवियर की अगर बात करें तो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट अगर 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो पूरा ट्यूशन फी माफ है, लेकिन बाकी सारे फी लग रहे होंगे। अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो ट्यूशन फी पे 2/3 माफ है, यानी कि अप्रोक्स पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 20,000 के आसपास लग ही रहा होगा और बाकी सारे फी तो लग ही रहे होंगे। एससी एसटी के लिए बिना किसी इनकम सर्टिफिकेट के ही पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है, लेकिन बाकी सारे फी उनके भी लग रहे होंगे। तो यानी कि अगर कोई फी वेवियर नहीं भी मिल रहा है तो भी 7 से 7.5 लाख में आपका पूरा 4 साल का बीटेक यहां निपट जाएगा। और अगर एससी एसटी हो या फिर ओबीसी जनरल कैंडिडेट जो 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा किए हैं, यानी कि जहां ट्यूशन फी पूरा माफ है, तो 3 से 3.5 लाख में आपका पूरा 4 साल का बीटेक यहां निपट जाएगा। बात कर ले कैंपस की तो अराउंड 100 acres का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। अब आपको बाकी सारे एनआईटी से थोड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जितने दूर में एक कैंपस बिल्डअप होता है, जितना में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिए 100 acres मोर देन सफिशियंट होता है। यानी कि जो भी बेसिक फैसिलिटीज हैं, आपका स्पोर्ट्स से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज, एकेडमिक बिल्डिंग, लैब्स, जितनी चीजें हैं सारी चीजें प्रोवाइडेड है। बस एक जगह दिक्कत आती है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलने में थोड़ी तकलीफ होती है। यहाँ फर्स्ट ईयर को हॉस्टल अलॉटमेंट के दौरान अदर स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और होम स्टेट को कम।
होम स्टेट में भी ऐसा है कि जो ज्यादा दूर है कॉलेज से डिस्टेंस के बेसिस पर उन्हें थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, लेकिन समझिए होम स्टेट वालों के लिए यहाँ थोड़ा दिक्कत है। तो फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल की समस्या यहाँ देखने को मिल सकती है, तो आपको कोई पीजी लेकर, पेइंग गेस्ट जिसे हम कहते हैं, रूम रेंट लेकर आपको रहना पड़ सकता है कॉलेज के बाहर। हालांकि देखिए धीरे धीरे अभी हॉस्टल्स बन रहे हैं, हालांकि क्या भी अपडेट है हॉस्टल्स को लेकर वो आपके एनआईटी रायपुर के स्टूडेंट ही बता पाएंगे। तो अगेन कह रहा हूं, जो एनआईटी रायपुर के स्टूडेंट है कमेंट सेक्शन में अभी क्या कॉलेज का सिनेरियो है जाकर लिखिए। लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में चीजें काफी बेहतर है, हॉस्टल में उतनी तकलीफ नहीं होती है, चीजें सॉर्टेड है। फर्स्ट ईयर के लिए भी चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। बात कर ले टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब की, तो वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ अवेलेबल है। एक आईआईटी एनआईटी में जितनी चीजें आप सोच सकते हो सब यहां मिल जाएगा आपको। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चाहे आप सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, फिर पोएट्री, जो भी चीजें आप ट्राई आउट करना चाहते हो सबके लिए क्लब्स है, चाहे वो फोटोग्राफी ही क्यों ना हो। तो कॉलेज एक्सपोजर, फन फैक्ट्स के मामले में कॉलेज पीछे नहीं है, आराम से चिल कॉलेज लाइफ आप ले सकते हो, अंटिल एंड अनलेस आप खुद एक्सपोज करना चाहते हो खुद को। वरना अगर आप दिन भर सिर्फ पढ़ने में लगे रह गए, सिर्फ एक कमरे में बंद होकर रहना चाहते हो, वो अलग चीज है। वरना कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बस जरूरत है उस चीज को ग्रैब करने की। समझ रहे? तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कॉलेज पसंद आ रही हो तो एडमिशन लीजिए। वैसे एवरेज एनआईटी में हम इस कॉलेज को गिनते हैं एट द एंड, अगर मुझे बताना हो तो। फिलहाल बताइए और किस कॉलेज के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।